मेरा नाम हुस्ना महमूद है और मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ. दैट मीन्स आई क्रिएट पेंटिंग्स जो कि मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं. मेरा काम बेसिकली लेयर्स के बारे में कि किस तरह हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द तह से बनी होती है और हर एक तह किस हर एक चीज़ को जाहिर कर रही होती है. कि अगर हमें लगता है कि अगर हमें सब कुछ पता चल जाएगा, मतलब हर लेयर ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी, पर मेरा ख्याल है कि दिस विल लीड टू मोर केओस देन क्लैरिटी. और मैं अपनी जो इंस्पिरेशन है वो अपने इर्द गिर्द अपने माहौल से लेती हूँ, लोगों से जो मेरी मुलाकात होती है मैं उनसे लेती हूँ. मेरा नाम मोहम्मद सलेमान है. मैं NCA का ग्रेजुएट हूँ 2015 में और फिर मैंने मास्टर्स किया 2019 में. तो शुरू से मेरा काम आइडेंटिटी के साथ रिवॉल्व करता रहा है कि किस तरह से आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी आइडेंटिटी को असर करती हैं. तो वहीं से बात चली, तो एंड में मेरी बात चली कि चादर क्या है. लोग कहते हैं चादर देख के पाँव फैलाओ, तो मैं बात करता हूँ कि चादर क्या वो आपकी हैसियत दिखाने का कोई पैरामीटर है, क्या वो आपके हालात हैं, क्या वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है. लेकिन फिर भी उस चादर के बीच में, वो चादर एक आइडेंटिटी है और उसके बीच में आपकी एक टग ऑफ वार चलती रहती है जो आपकी ख्वाहिशात और आपकी हालात के दरमियान चल रही होती है. तो उसको लेके मैंने एक काम प्रोड्यूस किया जिसका टाइटल मैंने रखा है एक आखिरी हसरत. आप जितनी भी हसरतें पूरी कर लो अपनी, फिर भी एक आखिरी हसरत रह ही जाती है. तो ये नुमाइश जिसका नाम कंटेम्परेनियस है, 6 लोगों के काम पे मुश्तमिल है. इनमें 3 बच्चे इस साल के ग्रेजुएट्स इन मिनिएचर आर्ट हैं फ्रॉम द NCA रावलपिंडी एंड लाहौर, और 3 बच्चे 2-3 साल पहले के ग्रेजुएट्स हैं. दे आर ऑल प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट्स. ये सबके सब मिनिएचरिस्ट्स हैं. इस शो की कोई थीम नहीं है, ये थीम बाउंड शो नहीं है, बल्कि ये ओपन एंडेड है. इन द सेंस के बच्चे जो भी थीम अपने अपने जाविये से एक्सप्लोर करना चाहें उन्हें इसकी इजाज़त दी गई, और सब अपने अपने कंसर्न्स, अपने अपने इश्यूज और अपनी अपनी थीम्स और अपने सब्जेक्ट मैटर को सामने लेकर आए. इस शो में कलर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहा कि बच्चों ने कलर की मदद से काम को ना सिर्फ हाईलाइट किया बल्कि सिंबलाइज भी किया. इसके अलावा जहाँ तक थीम्स का ताल्लुक है, तो आई वुड लाइक टू से द पर्सनल कैन बी पॉलिटिकल. इस थीम को अगर जहन में रखा जाए तो हमें इसकी मुख्तलिफ मिसालें इस काम में दिखाई देती हैं. वालेकुम, मेरा नाम सुप्तैन हसन गाजी है और मैं मिनिएचर आर्टिस्ट हूँ और मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रेजुएट हुआ था 2015 के अंदर. मेरा ये जो काम है ये मिनिएचर पेंटिंग है और मेरा सारा काम मेरी अपनी ओन इमेजिनेशन ख्याली दुनिया पे बेस करता है. जो मैं सोचता हूँ, जिस तरह मैं सोचता हूँ और जिन कलर्स के थ्रू मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकूँ, वो सारे कलर्स मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने काम के अंदर देख के आऊँ.
सबसे मेन चीज़ ये है कि मेरे काम के अंदर मुगल मिनिएचर के अंदर जो हम ज्वेलरी देखते हैं वो सारी उसके जो मेन एथिक्स हैं, उनकी जो मेन चीज़ें हैं, पावर सिंबल से रिलेटेड जो भी हम लोग देखते आए हैं वो मैं ट्राई करता हूँ कि अपनी पेंटिंग्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करूँ। और आप जैसे मेरे काम को देख सकते हैं वो डिफरेंट कलर्स के ऊपर है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिनेट करे उन चीज़ों को जो हमने आज से पहले कभी देखी नहीं है। मनोहर लाल है और मैं सिंस में बतालकर मैंने अभी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रेजुएशन किया, और मेरा जो काम है वो ट्रक आर्ट और मिनीचर दोनों के हिस्से को कंबाइन करके मैंने ये अपना काम किया। और इसमें जो पोर्ट्रेट है मैंने वो जो अपने टीचरों को पोर्ट्रेट बनाया, और क्योंकि मैं उनको ट्रिब्यूट देना चाहता था क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर पहुँचने के लिए काफ़ी सपोर्ट की है।